अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल स्टडीज क्लास सिक्स चैप्टर नंबर एट फार्मिंग प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। एज वी हैव स्टडीड बिफोर अबाउट सब प्रॉब्लम्स, वी स्टडी अबाउट द एरिया प्रॉब्लम, पुअर क्वालिटी एनिमल्स एंड सीड्स, वाटर एंड फर्टिलाइजर। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 37। सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब है नमी, नमकीन पानी या नम जिसमें नमक ज़्यादा हो। लेट्स स्टार्ट। ऑल नेचुरल वाटर हैज सम सॉल्ट इन इट, तमाम कुदरती पानी में नमक होता है। बट द अमाउंट इज सो स्मॉल, लेकिन उसमें मिकदार इस कदर कम होती है दैट वी कैनॉट टेस्ट इट, कि हम इसको महसूस टेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि उसका जायका महसूस नहीं कर सकते। वैन इरीगेशन वाटर कवर्स द फील्ड्स, जब आपाशी का पानी खेतों में भरा होता है। हाउ एवर द हॉट सन एवेपोरेट्स मच ऑफ इट, ताहम गर्म सूरज इसमें से ज़्यादातर पानी को आबी बुखारात बनाकर उड़ जाता है पानी जो खेतों में होता है। एंड द साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, और उसके पीछे नमक रह जाता है। ठीक है, जब फसलों में पानी लगाया जाता है तो ज़्यादातर जो पानी है वो अभी बुखारात बनकर उड़ जाता है, और जो पीछे है वो नमक रह जाता है। ठीक है, हो गया। ईयर्स आफ्टर ईयर्स, साल हर साल, दिस गोज ऑन, ऐसा ही होता है। अनटिल द साल्ट इन द सॉइल, हत्ता के मिट्टी में जो नमक है इज सो स्ट्रांग, इस कदर ज़्यादा हो जाता है दैट प्लांट्स विल नॉट ग्रो इन इट, के इसमें पौधे नहीं उग सकते। द ओनली आंसर टू वॉश द सॉइल, इसका सिर्फ एक ही हल है या एक ही जवाब है कि मिट्टी को साफ किया जाए विद प्योर वाटर फ्रॉम डीप, के उसको गहराई से खालस पानी से साफ किया जाए। अंडरग्राउंड वेल्स, जेरे ज़मीन कुओं से, एंड पुट स्पेशल केमिकल ऑन इट, और उसके ऊपर खास केमिकल डाले जाए। ठीक है, जब पानी बुखारात बनकर हवा में उड़ जाता है, जो पीछे नमक रह जाता है, उसको साफ करने का तरीका एक ही है कि उसको खालस पानी, जेर ज़मीन जो खालस पानी है उसे साफ किया जाए, और उसमें खास किस्म के केमिकल डाले जाएं उस मिट्टी में। बोथ मेथड्स आर एक्सपेंसिव, दोनों तरीके बहुत महंगे हैं। एंड मैनी पुअर फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड ईदर सोल्यूशन, और जो गरीब किसान होते हैं वो इन दोनों तरीकों से कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 26% ऑफ पाकिस्तान फार्म लैंड्स अफेक्टेड बाई साल्ट। पाकिस्तान की जो खेती बाड़ी वाली ज़मीन है उसमें से 26% जो ज़मीन है वो नमक से मुतासर होती है, 8% सो बैडली, और इसमें से 8% इस कदर ज़्यादा मुतासर होती है दैट इट बिकेम आ डेजर्ट अनलेस ट्रीटेड, कि अगर उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए या उस पे कोई केमिकल वगैरह ना यूज़ किया जाए तो वो डेजर्ट बन जाए। ठीक है, जो ज़मीन की जो खेती बाड़ी वाली पाकिस्तान की जो खेती बाड़ी वाली ज़मीन है उसमें से 26% ज़मीन नमक से मुतासर है, और उसमें से 8% इस कदर ज़्यादा मुतासर है कि अगर उसकी मुनासिब ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो सैरा बन जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज वाटर लॉगिंग। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, दिस सॉइल इज नो लॉन्गर यूजफुल फॉर फार्मिंग बिकॉज ऑफ द सॉल्ट डिपॉजिट, इस मिट्टी में इस कदर ज़्यादा सॉल्ट है कि यहाँ पे ज़्यादा अब खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। ठीक हो गया। नेक्स्ट वाटर लॉगिंग, वाटर फ्रॉम मैनी परमानेंट इरीगेशन चैनल्स सोक आउट एंड मेक्स द सॉइल सो वेट ऑल ईयर। वाटर फ्रॉम मैनी परमानेंट इरीगेशन चैनल्स, जो मुस्तकिल आपाशी के निज़ाम हैं उनमें जो पानी है सोक आउट इस कदर ज़्यादा होता है एंड मेक्स द सॉइल सो वेट, और वो ज़मीन को इस कदर नमी वाला बना देता है या इस कदर गीला कर देता है ऑल ईयर्स पूरा साल दैट प्लांट्स विल नॉट ग्रो इन इट, के उसमें पौधे नहीं उग सकते। ठीक है, अगर ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी भी हो तो तब भी वहाँ पे पौधे नहीं उग सकते। बिकॉज द रूट्स नीड एयर, क्योंकि जड़ों को हवा की ज़रूरत होती है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, हुकूमत ये कोशिश कर रही है टू कंट्रोल वाटर लॉगिंग, कि वो वाटर लॉगिंग को कंट्रोल कर सके। ठीक है, हुकूमत जो है वो वाटर लॉगिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है बाय लाइनिंग द कैनाल विद कंक्रीट।
जो नहरें हैं उनको कंक्रीट से पक्का करके, ठीक है, क्योंकि जो नहरें वगैरह हैं वही मुस्तकिल इरिगेशन का चैनल होती हैं, और इन्हीं की वजह से जो पानी है वो जमीन के अंदर इस कदर नमी पैदा कर देता है कि वहां पे पौधे उगने मुश्किल हो जाते हैं। अब जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो ये कोशिश कर रही है कि जो नहरें हैं उनको जेरे जमीन कंक्रीट डालकर पक्का कर दिया जाए, सो दैट द वाटर डज नॉट एस्केप, ताकि पानी उसके अंदर जस ना हो। बट अगेन, लेकिन दोबारा, दिस इज अ स्लो एंड एक्सपेंसिव जॉब, लेकिन दोबारा ये एक बहुत आहिस्ता और बहुत महंगा काम है। देर आर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इन द पंजाब एंड सिंध। पंजाब और सिंध में बहुत सी जरई यूनिवर्सिटियां हैं एंड अदर इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, और मुल्क में बहुत से और भी दूसरे अदारे हैं, इंस्टीट्यूट है, दैट आर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, जो कि इन मसाइल से वाकिफ हैं, ठीक है। पंजाब और सिंध में जरई यूनिवर्सिटियां हैं, और इसके अलावा मुल्क में दूसरी भी इंस्टीट्यूट हैं जो इन मसाइल से वाकिफ हैं एंड आर वर्किंग टू फाइंड सोल्यूशन टू देम, और वो इन मसाइल के हल के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, दिस स्ट्रेच ऑफ वाटर लॉग्ड लैंड। नेक्स्ट इज फार्मिंग प्रॉब्लम्स इन साउथ एशिया। अब साउथ एशिया के जो बाकी ममालिक हैं उनमें ज़राअत से मुतल्लिक क्या क्या मसाइल हैं। एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर ऑक्यूपेशन इन द साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशिया के ममालिक में ज़्यादातर जो अहम पेशा है वो ज़राअत ही है। ऑल्दो अगरचे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स, अगरचे ज़राअत की पैदावार सालों में कई बार बढ़ चुकी है, देर आर ऑल्सो सम प्रॉब्लम फेस्ड बाई दिस कंट्री। फिर भी वहाँ इन ममालिक को बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो वो उन जिनका उनको सामना होता है। द लैंड रिसोर्सिस इन इंडिया आर अफेक्टेड बाई डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल एरोजन। इंडिया में जो जमीन के जराए हैं वो जंगलात के कटाव से और मट्टी के कटाव से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ओवर ग्रेजिंग टर्न्स लैंड इन टू डेजर्ट, बहुत ज़्यादा चराने से ज़मीन जो है वो सहरा में तब्दील हो जाती है। वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो नीड बेटर मैनेजमेंट, और पानी के जराए को भी, जो जराए हैं उनको भी अच्छे तरीके से इंतज़ाम करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन द लार्जर एरियाज, खसूसन जो बड़े इलाके हैं उनमें, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। जो पानी के जराए हैं उनको भी खास तौर पर सही तरीके से इंतजाम करने की उसकी ज़रूरत है, खसूसन जो बहुत बड़े बड़े इलाके हैं जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया हैज़ ट्रेबल्ड इट्स इरिगेटेड एरिया इन द लास्ट 40 ईयर्स। इंडिया ने पिछले 40 सालों में अपनी जो आबपाशी का निज़ाम है वो तिगुना कर लिया, मतलब 3 गुना ज़्यादा बढ़ा लिया है, टू नियरली 70 मिलियन हेक्टर, तकरीबन 70 मिलियन हेक्टर तक इनका जो इरिगेशन का सिस्टम है या आपाशी का निज़ाम है वो बढ़ गया है। देर आर करंटली 182 मेजर एंड 312 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। वहाँ पे इस वक्त मौजूदा 182 बड़े और 312 छोटे आपाशी के प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। विद अ लार्ज पॉपुलेशन टू फीड, बहुत बड़ी आबादी को खुराक पहुंचाने के लिए, इंडिया नीड्स टू मैनेज इट्स रिसोर्सेज। इंडिया को अपने जराए में का इंतज़ाम बेहतर करना है, केयरफुली, बहुत एहतियात से, एंड इज सेल्फ सुफिशेंट इन ग्रेन प्रोडक्शन, और वो अपने अनाज पैदा करने में खुद मुख्तार है, ठीक है। वहाँ पे इस कदर अनाज पैदा होता है कि वो अपने ही मुल्क की पैदावार को पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अब बांग्लादेश इज ऑल्सो मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री। बांग्लादेश भी एक बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। वी हैव लर्न अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ बांग्लादेश इन द प्रीवियस चैप्टर। हमने पिछले लेसन में या पिछले चैप्टर में बांग्लादेश में पैदा होने वाली ज़राअत के बारे में पढ़ा है। द मेन थ्रेट टू फार्मिंग इन बांग्लादेश इज फ्रॉम नेचुरल हेजर्ड, जो बुनियादी खतरा है बांग्लादेश में खेती बाड़ी का वो कुदरती आफात का है। फॉर एग्जाम्पल, साइक्लोन्स विच डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जैसा कि साइक्लोन हो गए जो कि फसलों को तबाह करते हैं, एंड फ्लड
द कोस्टल एरियाज और साहिली इलाकों में जो सैलाब आते हैं। देर इज ऑल्सो ट्रीमेंडस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जिंदगियों को और प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट इज श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान आर ऑल्सो डिपेंडेंट मेनली ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर इकोनॉमी। श्रीलंका, नेपाल और भूटान भी अपनी इकोनॉमी को ज़रात से पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है, इन्हसार करते हैं। दीज कंट्रीज प्रोड्यूस इनफ टू मीट देयर ओन फूड, और ये ममालिक इस कदर अनाज पैदा करते हैं कि जो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए होती है, काफ़ी होती है। मालदीव हाउएवर इम्पोर्ट मोर मोस्ट ऑफ इट्स ग्रेन, जो मालदीव्स है वो ताहम ज़्यादातर अनाज दरामद करता है, मतलब कि बाहर से मंगवाता है। वाई डू यू थिंक डज मालदीव हैज़ टू इम्पोर्ट इट्स फूड, आपके ख्याल में ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मालदीव को बाहर से खुराक दरामद करनी पड़ती है। टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर लेसन हेयर।